हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज पहली तारीख है, साल का पहला दिन है 2023, और मैं आई हूँ मंदिर में। देख लीजिए आप भी, ये हनुमान जी का मंदिर था। यहाँ कई मतलब मंदिर हैं यहाँ छोटे छोटे, और ये शिव भगवान के शिवलिंग है। यहाँ पे जो है जल चढ़ाया जाता। मेरा मतलब मन था मंदिर आने का, तो इसलिए मैं आई थी। और मन शांत हो जाता मंदिर आके, और यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया था भोलेनाथ बाबा को। और बड़ा मंदिर है, कई देवी देवताओं के यहाँ पे जो है मंदिर हैं छोटे छोटे। और मुझे मंदिर पे बहुत अच्छा लगता है जाना, कोई भी मंदिर हो मुझे अच्छा लगता है भगवान के दरबार में जाना, क्योंकि वहाँ पे जो मन को सुकून चैन और मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिल सकती। और यहाँ पे किसी की शादी होने वाली है, तो वो लोग पहले आए हैं मंदिर में दर्शन करने भगवान के। और ये केले का पेड़ है, यहाँ पे भी मैंने आशीर्वाद लिया। केले पे भी जल चढ़ाया जाता है और बहुत शुभ होता है। और ये भी मंदिर कपाट थोड़ा बंद था, और गई थी मैं ज़्यादा जगहों पे गई थी मंदिर में। और ये हमारी दुर्गा माता हैं, जिनकी मैं भक्त हूँ, विराजमान है। और कितनी अच्छी इनकी साड़ी है, कितनी इनकी अच्छी सजावट है। कहीं भी ये होती हैं विराजमान, अपनी मतलब छवि इनकी दिखी जाती है, और इनका रूप सबको भाता है। और ये देखिए भगवान जी, और ये भी ये राधे कृष्ण की मूर्ति है। मतलब मंदिर में सब कुछ अच्छा लग रहा था, और खुशी भी हो रही थी मुझे जाके, क्योंकि ये साईं बाबा हैं हमारे, ओम नाय साईं नामा है। और ये कौन से भगवान है मुझे नहीं पता। छोटे छोटे ऐसे शिवलिंग वगैरह और कुछ बना बना के ऐसे मतलब है मंदिर में, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा दीजिएगा, और बस नया साल आपके लिए मंगलमय हो। पिछला साल आप लोगों का कैसा बीता, कैसा नहीं बीता, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पिछला साल मेरा बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, और कौन अपना है कौन पराया है मुझे इस चीज़ की परख नहीं थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने ऐसे रंग दिखाए मुझे, इनको मैं बहुत अपना समझती थी, सब कुछ मानती थी, जिनके लिए मैं दिन रात मेहनत करती थी, किसी काम को करने में मैं शर्माती नहीं थी। जो मुझे नहीं आता था वो चीज़ें भी मैं सीखती थी और करती थी, ताकि सब खुश रहे मुझसे, और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो। अगर एक इंसान नहीं कमा सकता, नहीं कुछ कर सकता, मैं कर सकती हूँ। मैंने किया है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा त्याग किया है, अपने बारे में नहीं सोचा बिल्कुल भी। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपकी लाइफ में जो आपकी जिम्मेदारियां हो जाती हैं वो दुगनी हो जाती हैं। आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो जाते हो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, उनको पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी बातें सिखाना, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। उनका खाना पीना पहनना ओढ़ना, उनकी खुशियों का ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना, वो बीमार हो तो उनको ख्याल रखना, एक माँ बाप की बहुत अच्छी जिम्मेदारी होती है। आप लोग भी इस जिम्मेदारी को निभाइएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक माँ होने का जिम्मेदारी निभाया। हर रिश्ते को मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अहम दर्जा दिया है। उसी के अपोजिट मेरे साथ हुआ, जो मैं रिजर्व करती थी अपनी लाइफ में, मुझे नहीं मिला कभी। शिकायत नहीं है मुझे किसी से, बस अपने आप से शिकायत है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने
जो मेरे साथ सबने ऐसा किया। नए साल पे सब पार्टी कर रहे थे, खुश थे अपनी अपनी फैमिली में। रो नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों अपने यहाँ हाथ जो गिर रहे, मुझे नहीं पता। पर मेरा मन भी तड़प रहा था इंजॉय करने के लिए अपनों के साथ। मैंने ये सजा अपने आप को खुद दी है। मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी जिंदगी क्या है, मैं सबके लिए क्या मायने रखती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ। अगर एक इंसान दिन रात मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए, तो वो फैमिली कितना महत्व देती है ये मुझे देखना है। मेरा परिवार मुझे कितना प्यार करता है, बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे मायके के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, सब मुझे देखना है। छोटी सी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरी जिंदगी ने। खुश हूं कि पहचान हो गई मुझे कौन अपना है कौन पराया, वरना बहुत देर हो जाती। छोटी सी जिंदगी में मेरे मेरे अपनों ने मेरे साथ इतना छल किया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। जिनके लिए मैं मेहनत कर रही थी, जिनके लिए मैं यूट्यूब पर सक्सेस हुई, अच्छी खासी कमाई भी कर लेती थी, मैं ठीक ठाक कमा लेती थी, कमा लेती हूँ भी अभी भी, सब कुछ करती हूँ अभी भी सबके लिए। जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उससे मैं भागूंगी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागूंगी। पर मुझे भी थकान होती है, मुझे भी तकलीफ होता है। मैं भी चाहती हूँ मेरी जिम्मेदारियाँ आप उठाओ, मेरा ख्याल रखो, मुझे देखो, मुझे समझो, मेरी बीमारी में मेरे पास रहो। ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इतनी बड़ी सजा मुझे दे दी? क्या खुश रहने का अधिकार मुझे नहीं है? बात करते हैं लोग संस्कारों की, मेरे संस्कारों में कहाँ खोटती, मुझ में कहाँ कमियां थी, कहाँ मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, मुझे बताइएगा आप लोग। मैं खुशी खुशी वीडियो बनाना चाहती थी, पर अपनी पिछली लाइफ के बारे में जब सोचती हूँ बहुत दुख और तकलीफ होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी जिंदगी में मैं कभी सोशल मीडिया पर शेयर ही नहीं कर पाऊंगी कि मेरी पिछली जिंदगी कैसी थी, पिछला साल मेरा कैसा गया। कोई गलती हुई हो तो आप लोग भी माफ कीजिएगा, बस अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से कोई शिकायत है। थैंक यू, लव यू, हैप्पी न्यू ईयर।